फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है हमारा डे 7 और हम लोगों ने डे 7 के दिन गाड़ी खरीद ली है। राइडिंग करने के लिए हमें गाड़ी चाहिए था, तो हम लोग गाड़ी खरीद ली है। गाड़ी हम लोगों ने ऑयल एक्सपर्ट से देख के खरीदी है। हम लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा और गाड़ी को जैसे ही खरीद करके ले करके आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी हमारा दोस्त चला रहा था। मैं आपको इस गाड़ी की फ़ोटो बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं आप गाड़ी पर कितने सारे स्क्रैच आ गए हैं, गाड़ी पर कितने सारे डेंट आ गए हैं। गाड़ी पूरी टायर वायर रिंग वंग सब टेढ़ा हो गया है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस गाड़ी को अब हम लोग मॉडिफाई करवाएंगे, अच्छे से जा कर के इसको हम लोग सही करवाएंगे। इसको सही करवाने के लिए हम लोग निकलेंगे गोकुलपुरी की ओर। गोकुलपुरी पड़ता है दिल्ली में। वहाँ पे सारे गाड़ियों के, सारे बाइकों के वहाँ पे सेकेंड हैंड पार्ट मिल जाते हैं, वो भी ओरिजिनल पार्ट मिलते हैं। अगर मैं इसमें डुप्लीकेट पार्ट लगवाऊंगा तो शायद फिट ना हो, अनफिट हो जाए, इसलिए हम लोग निकलेंगे गोकुलपुरी की ओर। तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए लोग निकलते हैं गोकुलपुरी की ओर। इस बाइक को हमने OLX पर से 18,000 रुपये में ख़रीदा था और अब इसमें एक्सीडेंट हो गया, तो अब देखते हैं इसको रिपेयरिंग करवाते हैं। रिपेयरिंग कॉस्ट कितना लगता है, रिपेयरिंग होने के बाद हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगा कि ये गाड़ी हमें कितने की पड़ी। ओके गाइस, तो आज हम लोग अपने घर से निकल गए हैं। निकलने के बाद हम लोग रास्ते में देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा अच्छा बिल्डिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी रोडें दिख रही हैं। आज हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी को बनवाने के लिए, जो कि हमारे दोस्त से एक्सीडेंट हो गया और उसे हम मॉडिफाई करवाएंगे। हम यहाँ पर दिल्ली में आते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं, इनको फ़ोन करते हैं, तो ये बहुत देर के बाद आते हैं। हम भैया का वीडियो यूट्यूब पर से देख करके आते हैं और यूट्यूब पर देखने के बाद आते हैं तो यूट्यूब पे कुछ अलग रेट बताते हैं, और यहाँ सामने आते हैं तो एक मोबाइल होल्डर का 500 रुपये रेट बताते हैं। तो हम वहाँ पर गाड़ी मॉडिफाई नहीं करवाते हैं, हम आ जाते हैं गोकुलपुरी। गोकुलपुरी में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होलसेल में टायर वगैरह मिलते रहते हैं। यहाँ पे हर बाइक का टायर आपको मिल जाता है, हर बाइक का आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। तो भैया फुल्ली कोऑपरेट कर रहे थे, तो भैया मेरे को पूरा का पूरा गाड़ी का एक एक, सिर्फ मैं तो आया था टायर बदलवाने के लिए, भैया लेकिन मेरे गाड़ी का एक एक पार्ट्स मेरे को दिलवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी खड़ी हो गई है। खड़ी होने के बाद इसका चेक किया जा रहा है कि हाँ टायर कितना घिस चुका है। तो इस गाड़ी में टायर चेंज होगा और टायर ट्यूबलेस है गाइस, तो ट्यूबलेस टायर होने की वजह से हमारा अलॉय व्हील भी टेढ़ा था, तो अलॉय व्हील भी हमें चेंज करना पड़ा। तो टायर के साथ साथ रिंग भी बदला गया। देख सकते हैं कि ये बंदा हमारे टायर के रिंग को खोल रहा है और इसमें टायर सेट करेगा। आपको बता दें गाइस कि ये मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ होलसेल में सेकेंड हैंड मिल जाता है। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि देख कर खूब हंस रहा है और इसकी हंसी रुक नहीं पा रही है, खूब अलग ही तरीके से खुश हो रहा है ये। तो हमारे गाड़ी का अलॉय व्हील खोल दिया गया है। खोलने के बाद ये भैया देख रहे हैं कि हाँ अलॉय व्हील टेढ़ा है, ठोक पीट करके अगर सही हो सकता है तो इसे सही कर दिया जाएगा, लेकिन ये अलॉय व्हील ऐसा हो चुका है कि इसे ठोक पीट के सही करने पे सही नहीं हो पाएगा, और इसमें अगर ट्यूबलेस टायर लगेगा तो हवा लीकेज होगा और गाड़ी का हवा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो भैया ने बोला कि आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैंने अलॉय व्हील भी चेंज करने को भैया को बोल दिया, जो कि हमें पड़ा 1100 के आसपास अलॉय व्हील पड़ा, और टायर ऑलमोस्ट दोनों मिला करके हमें 1900 के आसपास पड़ा। तो भैया ने रिंग भी दिखाया। अब देख सकते हैं कि चारों तरफ कितने ढेर सारे टायर दिख रहे हैं गाइस, और हर कंपनी का टायर यहाँ पर मिल जाता है। ये टायर कुछ फॉरेन के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। यहाँ पे सॉकर भी मिल जाते हैं, हर गाड़ियों को आपको सॉकर ही मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट पूरा का पूरा सेकेंड हैंड पार्ट्स के लिए ही जाना जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है, गाड़ियाँ पूरी एक्सीडेंटल है और उसको ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कहीं से ठुकी है कहीं से नहीं ठुकी है। ऊपर देख सकते हैं कि पूरा गाड़ी का मुंडा मिल रहा है हमें। ये भी भैया हैं जो बगल में मुंडा बेचते हैं, फाइबर बेचते हैं। तब हमारे गाड़ी का टायर और अलॉय व्हील सेट हो चुका है, तो सेट होने के बाद उस पर स्प्रे पेंट मार रहे हैं ताकि थोड़ा सा नया दिखे। देख सकते हैं कि हमारा टायर कैसा दिख रहा था और चेंज होने के बाद अब देखिए कैसा लग रहा है, पहले कैसा दिख रहा था, तब ये अच्छे से पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि अब कितना ये अच्छा और बेहतरीन दिख रहा है। इसके कुछ वाइज़र वगैरह भी टूटे हुए, वो भी मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं मीटर के पास। हमारा मीटर काम नहीं करता रहता है, पेट्रोल का मीटर, रीडिंग मीटर कुछ भी काम नहीं करता रहता है। तो हम आ जाते हैं मीटर के पास मीटर बदलवाने के लिए। तो भैया हमें मीटर, क्या मीटर के साथ पूरा मुंडा ही दे देते हैं। मुंडा हमें पूरा पड़ जाता है 1300 का। मीटर और मुंडा दोनों ओरिजिनल मीटर और मुंडा रहता है, इसलिए हमने इसे परचेस कर लेते हैं, वरना अगर नया लेने जाते तो 4000-5000 के आसपास पड़ जाता। मीटर में काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर था, तो किलोमीटर को हम लोग कम करवाने के लिए भैया के पास जाते हैं।
भैया इसे फटाफट से खोलते हैं, खोल खाल करके निकालते हैं, और निकालने के बाद इसमें कुछ अंदर से कुछ सेटिंग करते हैं जो हमें दिख भी नहीं पाता है अच्छे से। अंदर से ही कुछ खोलते हैं, खोल करके उसमें उंगली करके उसको घुमा देते हैं और हमारा किलोमीटर भी कम हो जाता है। तो किलोमीटर भी गाइस कम करना आप देख सकते हैं कितना ईजी है। और भैया हमारा इसको खोल रहे हैं मीटर को, फटाफट से सारा नट वट स्क्रू स्क्रू निकालने लगते हैं वो। जब तक वो स्क्रू निकाल रहे हैं गाइज, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। ये 1 करोड़ की जर्नी हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। हम 1 करोड़ कमा करके अमीर बन करके आप लोगों को दिखाएंगे, और आप भी कैसे बनेंगे आप फॉलो कर लें और उसको फॉलो करें, और अच्छे कुछ टिप्स हैं तो हमें टिप्स भी दें। तो देखिए भैया ने कुछ अंदर से सेटिंग किया, और सेटिंग करने के बाद मीटर की रीडिंग कम हो गई। भैया ने हमें बताया कि स्टार्टिंग के 3 नंबर को नहीं छेड़ सकते हैं, 3रे नंबर के बाद का जो नंबर है उसे छेड़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 नंबर को नहीं छेड़ करके जो लास्ट का नंबर था उसे छेड़ दिया। छेड़ने के बाद मीटर सेट कर दिया, जो 84,000 किलोमीटर दिखा रहा था वो अब 4,000 किलोमीटर हमारा मीटर दिखाने लगा। और इसे फटाफट से भैया इसको कसना भी स्टार्ट कर देते हैं, कस के सेट कर देते हैं और सेट करके हमें मीटर दे देते हैं, और मीटर जा करके हम लोग फिर से गाड़ी में सेट करवा लेते हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ बाइक ही बाइक है, और आमने सामने आप देख सकते हैं, उधर सामने आपको मीटर बिकता हुआ दिख रहा है, इधर बगल में सर्विसिंग होता हुआ दिख रहा है, गाड़ी यहाँ पे पेंटिंग भी हो जाती है, डेंटिंग भी हो जाती है, ऑलमोस्ट गाड़ी का हर पार्ट यहाँ पे मिलता ही है गोकलपुरी में। अगर आप बोलेंगे तो प्रॉपर मैं एक एक दुकान एक एक शॉप पे जा करके आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कहाँ पे क्या मिल जाएगा हर दुकान पे। तो यहाँ पे गाड़ी के सारे पार्ट्स, गाड़ी के सारे वाइज़र वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए गाड़ी के मोटर वगैरह ये सब मिल जाते हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा है, देखिए चारों तरफ आपको वाइज़र दिख रहा है, बाइक के टंकी, बाइक का मुंडी, टेल लाइट, सब कुछ। ये करते क्या है ना कि आपका पुराना सामान रख लेते हैं। जब मैं मीटर दिया तो हमारा पुराना वाला मीटर रख लिए और नया वाला मीटर दिए, मतलब पूरा का पूरा मेरा मुंडी पुराना वाला जो था इन्होंने रख लिया और हमें नया मुंडी दिया इन्होंने। तो मुंडी के साथ ऐसा है, टायर ट्यूब में भी ऐसा ही, मैंने रिंग और टायर दोनों दे दिया था भैया को, और कुछ उसमें से डिडक्शन करके हमें वो कुछ कम कर करके 1700-1800 रुपये का हमें अलॉय व्हील और टायर दोनों पड़ गया। अगर मार्केट में ख़रीदने जाता तो कम से कम मेरा 5,000 से 7,000 का फटका पड़ जाता। मार्केट काफ़ी बड़ा है, अब देख सकते हो चारों तरफ पार्ट ही पार्ट और टूल्स ही टूल्स आपको दिख रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं फाइनली हमारा गाड़ी जो था मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई नहीं बोल सकते मतलब कि जो एक्सीडेंट हुआ था। तो देखिए बॉडी मैंने मुंडी चेंज करवाया, बाकी टायर वगैरह अलॉय व्हील वगैरह चेंज करवा दिया, ये गुट्टा उट्टा सब मैंने, तो काफ़ी हमने मेहनत की और गाड़ी हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया। देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ भी फूटा उटा था टूटा उटा था सब हम लोगों ने सही करवा दिया, अलॉय व्हील वगैरह। और देख सकते हैं अब हमारा ये पेट्रोल का मीटर रीडिंग सब हमारा काम करने लगा है। बाकी थोड़ा बहुत जो वाइज़र है, वाइज़र जो टूटा हुआ वो हम लोगों ने अभी नहीं करवाया है, बाद में उसको करवाएंगे, ये सब भी हम लोग करवा लेंगे। बाकी गाड़ी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है, और जिस तरह से पहले टूटा फूटा था देख सकते हैं पहले कैसा था। तो गाइस गाड़ी हमें रिपेयरिंग करवाने के बाद पड़ गया 26,000 रुपये का, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे काम कराया, टायर चेंज करवाया, रिंग चेंज करवाया, और इसका आगे का पूरा मुंडी चेंज करवाया, मीटर चेंज करवाया, चारों का चारों गोड़ और सब का सब कुछ हम लोगों ने इसका चेंज करवाया, सब कुछ नया लगवाया, इसलिए हमारा कॉस्ट ज़्यादा बैठ गया। सर्विसिंग भी हम लोगों ने इसका करवाया, तो ये गाड़ी हमें पड़ गई 26,000 रुपये की। ओके गाइस, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए 1 करोड़ कमाने के सफर में।